महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 लोकमत के कार्यक्रम राइजिंग महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना पर टिप्पणी कर सरकार में अपनी सहयोगी शिवसेना को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सामना सरकार नहीं चलती, सरकार मैं चलाता हूं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना से हमें खूब सहयोग मिलता है। दोनों पार्टियों ने मिलकर 4 साल सरकार चलाई है। कैबिनेट का कोई भी फैसला दोनों पार्टियों की सहमति से ही होता है। चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के ट्वीट पर सियासी तकरार तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने लालू यादव के नाम पर चल रहे ट्विटर अकाउंट पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर दी, जिसे पिछले दिनों देश और बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़े हर मामले पर लगातार ट्वीट कर विरोधियों को घेरने की कोशिश की। बीजेपी और जेडीयू ने सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के नाम पर इस तरह ट्वीट किए जाने को कानून के खिलाफ बताया। कोई व्यक्ति सजा हफ्ता हो और जेल से ट्वीट करता हो, इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर बैन लगाना चाहिए। हालांकि आरजेडी पर इन हमलों का कोई असर पड़ता नहीं दिखा और उसने विरोधियों पर जेल में बंद होने के बावजूद लालू यादव से घबराने का आरोप लगा दिया। आजाद भारत में हर आदमी को स्वतंत्रता है अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का। कांग्रेस ने भी झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट होने की दलील देते हुए लालू यादव के ट्वीट को बेवजह मुद्दा बनाए जाने पर हैरानी जताई। पणजी में कांग्रेस के नेता जितेंद्र देशप्रभु ने बीमार चल रहे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कई दिन से मुख्यमंत्री के न दिखने पर उनका श्राद्ध करने का आपत्तिजनक बयान दे दिया। कांग्रेस के नेता ने कहा कि प्रदेश में लंबे वक्त से मुख्यमंत्री का पता नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के न दिखने से उनके होने के बारे में शक हो रहा है और अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो उनका श्राद्ध कर दिया जाना चाहिए। यदि आपके पास मुख्यमंत्री नहीं हो तो आप उठाड़ा करो, उनका श्राद्ध डालो। आप हमें मुख्यमंत्री को दिखाना तो है, हम देखना चाहेंगे कि वो है भी, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। यदि वो हो नहीं रहा है तो फिर हम क्या करें। चीन के एक इलाके में एक किसान ने एक विमान का ढांचा तैयार किया। विमान उड़ाने की ख्वाहिश न पूरा होने पर इस आदमी ने खुद का ही विमान बनाने का फैसला किया और इसीलिए उसने साथियों की मदद से अपने प्लेन का ढांचा तैयार किया। इस किसान ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन दावा है कि अब वो प्लेन बनाने की तकनीक और उसके मॉडल की पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने इस प्लेन का ढांचा बनाने में लकड़ी, लोहे और स्टील की मदद ली। प्लेन तैयार करने के लिए किसान ने भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया। हालांकि वो प्लेन का केवल ढांचा ही तैयार कर पाए। उन्होंने इस प्लेन के तैयार होने के बाद उसमें रेस्टोरेंट और अपना घर बनाने का दावा किया।